उनका क्या, बिकॉज गरीब इंसान तो HSF का स्टेज चढ़ ही नहीं सकता ना। अब वो यार 7,500 रुपया पहले रजिस्ट्रेशन की फीस देगा, फिर जो लोग चिढ़ते हैं ना उनके पिछवाड़े में आग लगानी है। और देखो लोग बहुत बकवास कर रहे थे, तू ये करके दिखा, वो करके, भाई बहुत बड़ा सीन नहीं है मेरी जान। तो 73 kg वेट है, 105 नहीं है, 105 में 300 कोई भी मार देगा। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पे। और आज है ट्यूजडे, सो फाइनली कल या परसों से रमजान स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं अपना आखिरी PR निकालने जा रहा हूँ, दैट इज 200 किलो की डेडलिफ्ट कन्वेंशनल। मैंने ऑलरेडी सुमो निकाली हुई है, बट मैं आपको बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ, सुमो में तुम्हारा भाई नहीं खेलेगा, जब भी खेलेगा कन्वेंशनल में खेलेगा। तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आज 200 का PR का अटैम्प्ट लेने जा रहा हूँ। आज मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाह रहा, बिकॉज 200 है भाई, 200। सो गाइस फटाफट जिम के अंदर चलते हैं। और आज मैं थोड़ा जिम के ना पीछे वाले स्पेस पा रखा हूँ, क्योंकि हमारे जिम में ना ये फ़ायदा है, अलग अलग लोकेशन पे मैं जाके इंट्रो दे सकता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है और हम लोगों को थोड़ा बहुत अलाउड हो जाता है इधर उधर वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज हम लोग कुछ फालतू बकवास करते नहीं, अपना काम करते हैं, उसके बाद सीधा जिम के अंदर चलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट चलते हैं जिम के अंदर, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली प्लेटफॉर्म पे पूरा 200 किलो रखा हुआ है, और ये मानने से पहले बता रहा हूँ कि 100% आएगा, बिकॉज जो मेहनत चलती है ना उससे पता चल जाता है अपने आप को। थोड़ा नर्वस हूँ, बिकॉज नर्वस होना इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहता, सो दैट इंजरी आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, बातें कम काम ज़्यादा, तो फटाफट इसको मारते फिर आपसे मिलते। और मारने से पहले बोल रहा हूँ, उड़ेगा हवा की तरह उड़ाएंगे, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली जैसे कि आपने देखा बहुत प्यार सा ये 200 किलो फाइनली, जो भी टारगेट थे 110 के बेंच, 200 की कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, 190 का स्क्वाट, रमजान से एक दिन पहले सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब एक महीने पूरी इबादत में बिताएंगे, वर्कआउट करेंगे अपना, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे 6 हफ्ते की, उसके बाद देखते क्या नंबर रखने वाले। तो ये था आज का डेडलिफ्ट सेशन, अभी मैं इसमें ड्रॉप सेट करने वाला हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज इतनी मेहनत लगी ना ये PR मारने में, और पर्सनली मुझे बहुत प्यार से लगा। मैं चाह रहा था कि 210 ट्रैक रह जाए, बट होता ना कि ठीक है 200 सोच का है, 200 मारते, तो वो मार दिया है। अब ड्रॉप सेट करते, उसके बाद मैं मारने वाला हूँ अपना पूरा लेग्स का वर्कआउट, बने रहना लास्ट तक। और तो गाइस एक बात और है, इतनी मेहनत चल रही है ना, प्यार दिखा दो यार, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। बताओ पिछले 2-4 ब्लॉग में क्या बोल रहा था, दो चार ब्लॉग में क्या कर रहा था। मैं पिछले 2 महीने से कर रहा था, आज जाके मारी है। देखो बेटा एक साल बाद आएगी 210। We'll be right back.
गाइस वर्कआउट पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है और आज बहुत खुश हूँ बिकॉज आज से 3 महीने पहले ना भाई जो ये पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलने की जो सोची थी ना और अपने कुछ टारगेट सेट किए थे रमज़ान से पहले, रमज़ान कल का पहला रोज़ा हो सकता है या परसों का पहला रोज़ा हो सकता है, तो मैंने सोचा था 1 या 2 दिन पहले मैं अपने सारे PR निपटा लूँगा जो कि मेहनत के साथ और अच्छी डेडिकेशन के साथ सारे PR आ चुके। तो करेंटली मैं अपने आप को SBD बता देता हूँ मेरा क्या है। स्क्वाट मेरा 190 kg है एंड डेडलिफ्ट आज मेरा 200 हो चुका है कन्वेंशनल, ठीक है ना, कन्वेंशनल मारेंगे भाई सुमो नहीं मारने के, ठीक है ना, और बेंच मेरी 110 हो चुकी है। तो ये मेरा SBD अभी टोटल हो चुका है। तो करंटली मेरा जो SBD टोटल है दैट इज़ 500 kg। बॉडी वेट अभी मेरा है 74 kg। तो मैं जब भी खेलूँगा कॉम्पिटिशन 74 kg में खेलूँगा और सीनियर कैटेगरी में खेलूँगा। एक अपडेट और है गाइस कि मैंने बताया था आपको पावर लिफ्टिंग का जो कॉम्पिटिशन है मैं वो HSF खेलूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज HSF की जो डेट्स है वो रमज़ान के 1 महीने बाद है। वो मुझे पता नहीं रमज़ान में मेरी कितनी स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी बिकॉज 30 days फास्टिंग करना, पानी नहीं पीना, आप सबको पता है कि फास्टिंग कैसे होती है। तो HSF एक तो इस वजह से नहीं खेलूँगा, दूसरा HSF में इस वजह से नहीं खेलूँगा उनकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे पर्सनली लगता है कि यार अराउंड अगर अभी लास्ट मंथ करते तो 7,500 रुपये थी, अब शायद से 15 हो चुकी है लास्ट, तो ऐसे 15-18 के आसपास उनकी फ़ीस है बिकॉज उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह भी है। तो मैं पर्सनली वो नहीं खेलूँगा बिकॉज मैं इतना तो स्पेंड नहीं करूँगा एक कॉम्पिटिशन के लिए। और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार HSF वालों से भी, जीत सलाल भाई से भी, कि यार मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो बॉडी बिल्डर्स के लिए, पावर लिफ्टर्स के लिए, बट उनका क्या जो इतना फीस दे ही नहीं सकते। देखो प्रैप में बहुत पैसा लगता है, वो जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है नेचुरली उसकी प्रैप में कितना पैसा लगेगा आपको पता है। अगर कोई पावर लिफ्टिंग खेलेगा तो उसको सप्लीमेंटेशन लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है और बहुत चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें लेनी है, डाइट प्रॉपर रखनी है नेचुरली। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोग अगले साल या आने वाले कुछ सालों में आप लोग जो टेस्टिंग का पैसा है वो फ्री करो। तो कुछ ऐसे बहुत ऐसे एथलीट्स हैं जो ऐसे लड़के हैं लड़कियाँ हैं जो इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते रजिस्ट्रेशन में, तो उनका क्या, बिकॉज गरीब इंसान तो HSF का स्टेज चढ़ ही नहीं सकता ना। अब वो यार 7,500 रुपये पहले के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देगा, फिर गेम खेलने की फ़ीस अलग है, फिर ट्रैवलिंग अलग है, होटल का स्टे अलग है और फिर प्रैप का खर्चा अलग है। तो भाई एक गरीब एथलीट कैसे खेलेगा आप HSF, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं देखो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ मैं कोई ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। पहली बात मेरे को लगता है कि यार मैं पावर लिफ्टिंग में सीन क्या है ना, मुझे वर्थ नहीं लगता कि मैं 15,000-20,000 रुपये खर्च करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शो खेलने के लिए ना, देहरादून से जाने के लिए दिल्ली तक मैं फ़्लाइट के टिकट्स लूँगा, होटल का स्टे करूँगा, तो उसमें मुझे लगता है 40,000-50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे जो कि मैं अपनी बॉडी पे और अच्छे तरीके से बहुत अच्छे समय तक लगा सकता हूँ अच्छे सप्लीमेंट्स पे। और मैं एक प्रॉपर पावर लिफ्टर कभी नहीं बनूंगा, ये मैं 1-2 शो खेलूँगा बस, उसके बाद आई विल कम बैक टू माय जो नॉर्मल मेरा रूटीन है, मैं प्रॉपर अपनी जो मेरी बॉडी है उसको मेंटेन करना है, दैट्स इट, ये मेरा प्लान है। और सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना है, तो HSF में जाके एक्सपीरियंस लेना कोई वो मुझे समझदारी लगती नहीं है। तो जब भी खेलूँगा PI का कॉम्पिटिशन खेलूँगा स्टेट्स, एंड एक चीज़ और है, PI ने रमज़ान के अंदर अपना स्टेट्स रख दिया है तो अराउंड 8 या 10 अप्रैल के आसपास उनका स्टेट्स है, तो वो तो मैं नहीं खेलूँगा बिकॉज रमज़ान में फास्टिंग के थ्रू मैं फास्टिंग के टाइम पे मैं शो नहीं खेल सकता बिकॉज कोई समझदारी नहीं है। तो जब भी दूसरा PI का स्टेट्स होगा देहरादून उत्तराखंड का, तब मैं जाके खेलूँगा। और इस जर्नी में जिसने भी अपना सपोर्ट दिखाया है, जिसने भी किस कैसे भी सपोर्ट दिखाया, मेरे व्लॉग्स देखे हो, मुझे मेरी जिम के अंदर वीडियोस बनाई हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिम में मेरे यार दोस्त हैं वीडियोस बनाते हैं, भाई सुप्रांत डैनियल और मोहित भाई है, बहुत ऐसे लोग हैं यार, डॉक्टर साहब हैं जो हमारे वीडियो बना रहे भी, तो बहुत ऐसे लोग हैं यार जो सपोर्ट करते हैं बहुत, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, तुम्हारा भाई आग लगाएगा बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पैदा हुआ आग लगाने के लिए। अब काफ़ी लोग पूछते हैं भाई कहाँ आग लगानी है, देखो क्या सीधी सी बात है, एक ही जगह आग लगानी है, जो लोग चिढ़ते हैं ना उनके पिछवाड़े में आग लगानी है। और देखो ये पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन खेलना भी बहुत पर्सनल है मेरे लिए चीज़ें, आप सभी को पता है छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो लोग बहुत बकवास कर रहे थे तू ये करके दिखा वो करके, तो भाई बहुत बड़ा सीन नहीं है मेरी जान, बहुत बड़ा सीन नहीं है। 3 महीने में अगर हम यहाँ आ सकते हैं ना, अभी टाइम दो, 73 kg वेट है, 105 नहीं है, 105 में 300 कोई भी मार देगा मुझे पर्सनली लगता है, और तो 73 में देखना, और कन्वेंशनल है ये, और देखना भी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है।
रमज़ान आ रहा है, आप सभी को रमज़ान मुबारक, और नवरात्रे भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को नवरात्रे मुबारक। जो मेरे भाई है हिंदुज़म को फॉलो करते हैं उनको नया नया साल मुबारक हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज नवरात्रि में अच्छे से फास्ट रखो, और रमज़ान में जो जो भाई रमज़ान के फास्ट रखने वाले हैं आप सबको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आप रमज़ान के पूरे 30 दिन के रोज़े रख पाओ। डॉक्टर साहब को भी हिदायत देगी नवरात्रि के फास्ट रख पाए। तो भाई पॉजिटिविटी फैलाओ, और मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग जब भी आएगा, रमज़ान का व्लॉग आएगा, देखते आपको दिखाऊंगा पहला कैसा रहता है कैसा नहीं। सब अपना ख्याल रखना, दुआ खैर में याद रखो। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।